अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सफ़ेद चनों का पुलाव, काबली चनों का पुलाव भी कह सकते हैं आप इसे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये एक कप मैंने चने हैं, मैंने इनको बॉयल कर लिया है। अगर मैंने एक कप चने लिए हैं तो दो कप मैंने चावल लिए हैं, जिनको तकरीबन एक घंटे से मैंने धो कर भिगो के और जितना पानी मैंने डालना है नाप के सब वो भी डाल चुकी हूँ मैं। इसके बाकी इन्ग्रीडियंट्स में शामिल हैं ये दो दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। एक दिन मैंने साइज़ की प्याज ली है, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप कर ली है। हरी मिर्ची जाएंगी इसमें, इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। इसके अलावा इसके साबुत मसालों में 2-3 सिनेमन स्टिक्स लिए हैं मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है साबुत, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है साबुत, 3-4 या 6 आप काली मिर्च लगा लें साबुत वो लिए हैं। इसके अलावा तेज़पत्ते जाएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ऑयल हमारा गर्म हो गया, प्याज डाल दें, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। प्याज और लहसुन अदरक की जितनी ज़्यादा अच्छी बनाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा जायका आएगा आपके पुलाव में। प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून लिए, अब आप इसमें ये हरी मिर्च डाल दें। बहुत झटपट बन जाने वाला पुलाव है। साबुत मसाले डाल दें, और पिसे हुए मसाले भी डाल दें। टमाटर डाल दें, मैं घी में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऑयल में बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें ताकि, और इसको 5-7 मिनट के लिए ढक दें ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हमारे टमाटर और सारे मसाले अच्छी तरह से हो गए हैं। अब आप इसमें ये चने डाल दें।
चने डाल के इसको 5 मिनट के लिए भूने। पाँच मिनट हो गए हमें चने भूनते हुए। अब जो चावल हमने नाप के रखे हैं वो डाल दें बीच में पानी के साथ। दस मिनट में जो है वो हमारे चावल जो है वो पक्के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको दम पे रखूँगी। चावलों को हमारे दम आ गया है। एंड में मैंने इसमें फूड कलर भी डाला था, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरी आज की रेसिपी, सफ़ेद चना पुलाव या काबली चनों का पुलाव, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी फौरन आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।